नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप और बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर गोल्ड कप गेम बिटवीन एल सेल्वेडोर और ग्यूतामाला, जो दोस्तों 12 जुलाई को सुबह 8 बजे खेला जाएगा। दोस्तों दोनों ही टीम का जो ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए, रिसेंट फॉर्म देखा जाए, तो बहुत ही तगड़ा है। ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म में दोनों टीम्स खेल रही है, तो काफी ज्यादा क्लोजली गेम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों टीम की साइड से। और दोस्तों पहला गेम है गोल्ड कप का, क्वालिफाइंग में भी दोस्तों दोनों टीम ने तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था, इसके कारण दोस्तों वो क्वालिफाई हो गई है फॉर गोल्ड कप। तो अब देखते हैं दोस्तों इस टीम में की प्लेयर्स कौन से होंगे, सजेस्टेड ड्रीम इलेवन टीम क्या होगी और क्या होंगे हमारे ग्रैंड लीग ऑप्शंस इस गेम के लिए। और दोस्तों रीसेंट टाइम में हमारी टीमें बहुत उमदा परफॉर्मेंस दे रही है, जो हम टीम टेलीग्राम चैनल पे देते हैं हमारी, उनमें से दोस्तों काफी लोगों ने काफी ज्यादा विनिंग्स की थी, कई कई ने तो मेगा भी जीत लिया था। इसलिए हमेशा कहते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, फाइनल टीम जो हम देते हैं वो बहुत तगड़ी ही रहती है। तो दोस्तों हमने लिंक टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दी है, तुरंत ज्वाइन कर अगर आपने अभी तक ज्वाइन किया हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं फैंटेसी अखाड़ा ऐप के बारे में। बहुत ही तगड़ा ऐप है यहाँ, जहाँ दोस्तों कल जो वेस्ट इंडीज वुमन और पाकिस्तान उनके बीच में गेम होने वाला है, वहां पे दोस्तों 1.5 लाख का गारंटीड कॉन्टेस्ट है। गारंटीड कॉन्टेस्ट मतलब क्या दोस्तों, कि अगर ये फुल पूरा कॉन्टेस्ट फिल नहीं होता है फिर भी ये कॉन्टेस्ट लाइव होगा ही होगा। अनलाइक दोस्तों दूसरे एप्स में जहाँ पे कॉन्टेस्ट फिल नहीं होता है तो कैंसिल हो जाता है कॉन्टेस्ट, बट यहाँ पे दोस्तों मेगा कॉन्टेस्ट गारंटीड है, तो ये फिल हो या ना हो ये चलता ही रहेगा। इसमें दोस्तों एंट्री फीस सिर्फ 29 रुपीज है और इसमें 5% बोनस कैश भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों fantasyacademy.com पे जाइए, ऐप डाउनलोड करिए और विन FSP जो हमारा रेफरल कोड है उससे ज्वाइन कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जो 500 बोनस कैश जो मिलेगा हमारे रेफरल कोड से ही आपको मिलेगा। और साथ में दोस्तों इनके कई सारे गिव अवेज भी चलते रहते हैं। कल जो यूरो का फाइनल हुआ था इटली और इंग्लैंड के बीच में, उसमें भी दोस्तों इन्होंने गिव अवे किया था, फ्री गिव अवे सिर्फ फैंटेसी अखाड़ा मेंबर्स के लिए। तो तगड़ा ऐप है दोस्तों, इसलिए हमेशा रिकमेंड करते हैं फैंटेसी अखाड़ा ऐप पे ही खेलेगा। दोनों टीम के रिसेंट फॉर्म की बात करें तो लास्ट 5 गेम में एल सल्वाडोर ने दोस्तों 3 गेमें जीती है, 1 गेम ड्रॉ करी और सिर्फ 1 ही गेम हारी है। उन्होंने तो दोस्तों लास्ट 5 गेम में 9 गोल स्कोर किए, उनके डिफेंस ने दोस्तों 4 गेम में क्लीन शीट रखी और सिर्फ 1 ही गोल कंसीड करा है। ग्वातेमाला का दोस्तों लास्ट 5 गेम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, जहां पर उन्होंने 2 गेम में ड्रॉ करी है, 2 गेम में जीती और सिर्फ 1 गेम हारी है। लास्ट गेम जो थी दोस्तों उनकी पहली डिफीट थी, उसके पहले दोस्तों तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था, उनके अटैक ने भी दोस्तों उमदा खेला, जहां पे लास्ट 5 गेम में 15 गोल स्कोर किए हैं और उनके डिफेंस दोस्तों 1 ही गोल कंसीड करे। उनके भी दोस्तों डिफेंस ने लास्ट 5 गेम में 4 गेम में क्लीन शीट रखी है। एल सर्वेडो का दोस्तों जो लास्ट 11 गेम उन्होंने गोल्ड कप में खेली है, उसमें से दोस्तों उनका परफॉर्मेंस काफी डाउन रहा है, भले ही रिसेंट फॉर्म तगड़ा है बट जो मेजर टूर्नामेंट जब पार्टिसिपेट करते तब दोस्तों उन्होंने लास्ट 11 गेम में से सिर्फ 2 ही गेम में विजय प्राप्त किया है। ग्वातेमाला का दोस्तों परफॉर्मेंस बेटर है, जहां पे दोस्तों वो लास्ट 4 गेम जो उन्होंने गोल्ड कप में खेली थी उसमें से दोस्तों उन्होंने 1 भी गेम नहीं जीती है, बट दोस्तों ओवरऑल जो उनका परफॉर्मेंस है 11 गेम का जो उन्होंने हर एक कॉम्पिटिशन में खेला था, जहां पे उन्होंने क्वालिफिकेशन खेला था गोल्ड कप के लिए, फ्रेंडलीज खेले थे, उसमें तगड़ा परफॉर्मेंस दिया और उन 11 में से 10 गेम में वो अनडिफिटेड भी रही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी दोस्तों काफी सिमिलर है, जहां पे लास्ट 7 गेम में ग्वातेमाला ने 3 गेम जीते और एल सल्वाडोर ने 2 गेमें जीती है। तो यदि दोस्तों आपको ऐसे स्टार चैनल इसमें कॉन्टेस्ट करते मजा आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दिया, जैसे कई सारे स्टार्ट चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आया, अच्छी लग रही है, हमारी रिसर्च बेनिफिट हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। एक्सपेक्टेड इलेवन की बात करें दोस्तों, तो ग्रुप का ये पहला गेम है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं दोनों टीम उसके टॉप प्लेस को खिलाएंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीम चाहेगी कि पहली ही गेम वो जीते और इस टूर्नामेंट को विनिंग नोट पे स्टार्ट करे। तो वही बेसिस को लेते हुए हमने भी हमारे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 सिलेक्ट करी, जहां दोनों टीम्स के टॉप प्लेयर्स को हमने सिलेक्ट करा है इन आर प्लेइंग 11। की प्लेयर्स की बात करें दोस्तों तो एल सेल्वाडोर के साइड से पेरेस, रुगामेस, लारिन और तमाकास, ये 4 हमारे टॉप पिक है। जहां पेरेस ने दोस्तों 3 गोल स्कोर किए, रुगामेस अल्टीमेट फॉर्म में तगड़ा खेल रहे हैं, 8 गोल स्कोर किए थे उन्हें गोल्ड कप क्वालिफिकेशन में, लारिन ने स्कोर शीट पे नहीं दिख रहे बट मिडफील्ड में तगड़ा परफॉर्म देते, तमाकास भी दोस्तों काफी उमदे प्लेयर है। ग्वातेमाला की साइड से मार्टिनस,
जो तगड़े फॉर्म में एल मार्टिनेस है दोस्तों, उनके टॉप गोल स्कोरर, अच्छा कर रहे, 2 गोल उन्होंने ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। अब बात करते हैं सजेस्टेड ड्रीम इलेवन टीम की। तो फॉरवर्ड्स में पेरेस और रुगामेस, ये दो हमारे टॉप पिक है, दोनों ही तगड़े फॉर्म में। रुगामेस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे, गोल्ड कप क्वालिफिकेशन में जो खेले थे उन्होंने गेम्स, उनमें 8 गोल स्कोर किए थे। पेरेस भी दोस्तों तगड़ा खेल रहे, तो जब आप हेड टू हेड पार्टिसिपेट करें, एकदम सेफ टीम बनाए कोई रिस्क लिए बिना, तो आप पेरेस और रुगामेस को अपना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मिडफील्ड में दोस्तों सराविया, कैबालोस और एल मार्टिनस, ये तीन हमारे टॉप मिडफील्डर्स हैं, जहां दोस्तों एल मार्टिनस को हमने हमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में रखा है। तो दोस्तों अगर आप बात करते हैं कि दोनों टीम इस गेम में एटलीस्ट 1 गोल तो स्कोर करेगी ही करेगी, तो आप रुगामेस को अपना कैप्टनसी ऑप्शन बना के मार्टिनस को अपना वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बना सकते हैं। या तो दोस्तों आप स्मॉल लीग में जब पार्टिसिपेट करो उसमें आप एल मार्टिनस को अपना वाइस कैप्टनसी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और अगर आप कैप्टन की जब तब बात करेंगे तो दोस्तों रुगामेस को अपना कैप्टनसी ऑप्शन रख सकते हैं। अब डिफेंडर्स देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, तो तुरंत कर दीजिए, ताकि दोस्तों आप हम जो आगे के वीडियोस हम बनाएंगे दूसरे गेम्स के, दूसरी टूर्नामेंट्स के, यही गेम के जो और गेम्स आएगी उसके, वो आप हमारी साइड से मिस ना करें। और दोस्तों जब आप ये सब करते हैं ना, तो हमें काफी मोटिवेशन मिल जाता है कि हमारे जो ऑडियंस है, जिनको हम बताते हैं, जिनको हम ज्ञान देना चाहते हैं, उनको सही से पहुंच रहा है और उनको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। तो कर दीजिए दोस्तों, छोटी छोटी चीजें बट हमें काफी ज्यादा खुशी मिल जाती है। डिफेंस की बात करें तो लारिन, जवालेता, डोमिनिस और टमाकस, ये 4 डिफेंडर एल सेल्वाडोर से है, तगड़े फॉर्म में है, क्योंकि दोस्तों एल सेल्वाडोर ने लास्ट 5 गेम में 4 गेम में क्लीन शीट भी रखी है, और दोनों ही दोनों दोस्तों प्लेयर बहुत ही ज्यादा उनके फॉर्म में, स्कोर शीट पे नहीं फीचर होते बट डिफेंस में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और दोस्तों दोनों ही विंगर्स है, तो अटैक में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, थ्रू बॉल्स, की बॉल्स के भी आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो अभी 6:4 के रेशियो में 12 क्रेडिट्स अभी भी हमारे हाथ में है, 10 प्लेयर वाली टीम दी है, तो देखते हैं दोस्तों लेंथ प्लेयर के लिए कौन से वो ऑप्शन जो आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट करो तब। साथ में दोस्तों ये आपको हेड टू हेड और स्मॉल लीग में भी काफी हेल्प कर सकते हैं जब आप खेलेंगे तब। तो दोस्तों 2 प्लेयर है एल सेल्वाडोर की साइड से और 1 प्लेयर है गौतमाला की साइड से। एल सेल्वाडोर की साइड से दोस्तों सीरिंग और मोंटेरोसा, जहां पे दोस्तों मोंटेरोसा तगड़े फॉर्म में 2 गोल स्कोर कर चुके, सीरिंग ने भी दोस्तों 1 गोल स्कोर किया था गोल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड में। गौतमाला में से दोस्तों जो लॉम है उन्होंने 1 असिस्ट दिया था क्वालिफिकेशन राउंड में। तो दोस्तों तीनों ही तगड़े प्लेयर है और तीनों की दोस्तों क्रेडिट्स भी अच्छे हैं, हमें हमारे पास अभी 12.5 क्रेडिट्स भी लेफ्ट है, तो हम ये तीन में से कोई उन्धा प्लेयर ही सिलेक्ट करेंगे इन 11th पे। और अगर आपको वो जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट सेक्शन में दिया है, जहाँ गेम स्टार्ट होने से 10 से 15 मिनट पहले फाइनल टीम हमारी मिल जाएगी विद आर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। साथ में एक्सपर्ट एनालिसिस भी देंगे दोस्तों हम, जो आपको लाइनअप आने के बाद अगर आप खुद की टीम बनाते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो तुरंत ज्वाइन करें दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करते हम टीम प्रोवाइड करने के लिए। बाकी दोस्तों जो चैनल्स है वो पैसा लेती है प्राइम के लिए, बट हमारा कोई प्राइम चैनल नहीं है, सारी की सारी टीम्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको देंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगी हमारी रिसर्च, तगड़ी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और याद रखें फैंटेसी स्पोर्ट एक फन एलिमेंट है, उसी की तरह ट्रीट करें रिस्पॉन्सिबिली के लिए, अच्छे से खेले, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है, तो अपनी कैपेबिलिटी ज्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करेगा। जल्द मिलते किसी और क्रिकेट या फुटबॉल वीडियो के एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।